नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल को मनसे ने दिया समर्थन। और पुलिस नागरिक समन्वय समिति द्वारा श्रम सेवा का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में सदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सचिन आठपले है। बैंक और रेलवे में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सदर पुलिस थाना अंतर्गत उजागर हुआ। पुलिस ने इस मामले में 35 वर्षीय आरोपी सचिन सुरेश आठवले कोराड़ी नाके को गिरफ्तार किया। सचिन का सदर के मंगलवारी बाजार में ग्लोबल अर्थ टेक्नोलॉजी सर्विसेज थी। वह बेरोजगारों को बैंक और रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देता था। तनवीर खान को भी इसी तरह का झांसा दिया गया। सचिन ने बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए। इसके बदले में खान से 8,50,000 रुपए अपने बैंक खाते तथा 2,50,000 रुपए नगद लिए। 12 अगस्त 2020 से 15 अप्रैल 2021 के दौरान यह जालसाजी की गई। पीड़ित बेरोजगार जब संबंधित स्थानों पर पहुंचे तो उन्हें नियुक्ति पत्र फर्जी होने का पता चला। इसके बाद सचिन ने कुछ पीड़ितों से सुलह कर ली, लेकिन कुछ पीड़ितों ने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत सचिन आठवले को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आहे सचिन सुरेश आठवले, याचे मंगळवारी कॉम्प्लेक्स सदर येथे ग्लोबल अर्थ टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेसच्या नावाने ऑफिस आहे आणि त्याच्या ऑफिसमधून तो कॅन्डिडेट लोकांना नोकरी लावून देतो अशा प्रकारचे तो बतावणी करत होता। त्यामुळे फिर्यादी तनवीर खान साहेब खान हा त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला 2020 आणि त्यावेळेस दोघांची मैत्री झाल्याने आरोपीने फिर्यादी सांगितलं की त्याच्याकडे काही नोकऱ्या उपलब्ध आहे आणि त्याला काही कॅन्डिडेटची आवश्यकता आहे। तनवीर खान साहेब खानकडे काही कॅन्डिडेट्स उपलब्ध असल्यामुळे त्यांनी 10 ते 12 कॅन्डिडेट्स यांची ओळखी आरोपीसोबत करून दिलेली होती आणि आरोपीने त्यांना माहिती दिली की त्याचे ब्ल्यू लाईन सोल्युशन्स तथा इझी ॲक्सेस सर्व्हिसेस ही कोलकात्याची कंपनी असून त्याच्या कंपनीसोबत हे टाईप आहे आणि तिथून काही त्यांना नोकरीच्या जागा बँकिंगच्यासाठी निघालेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने आरोपीने प्रत्येक कॅन्डिडेटकडून असे टोटल 12 कॅन्डिडेटकडून त्यांनी 8,50,000 रुपये बँकेमध्ये आणि 2,50,000 रुपये कॅशमध्ये असे टोटल 11,00,000 रुपये त्यांच्याकडून घेतले आणि त्यांना बनावटी नियुक्तीपत्र दिलं। बनावटी नियुक्ती प्राप्त झाल्यानंतर सर्व कॅन्डिडेट ज्या ठिकाणी त्यांना जॉईनिंग करायचं होतं त्या ठिकाणी ते गेले, परंतु तिथे त्यांना कोणतंही ऑफिस दिसून आलं नाही आणि कोणती तिथे त्यांना नोकरी लागल्या ते दिसून आलं नाही। त्याच्यानंतर त्यांनी आरोपीकडे त्यांचे पैसे परत मागण्याचा तगादा लावला, परंतु आरोपी हा त्यांना टाळाटाळ करीत होता। त्यावरून त्यांनी तनवीर खान साहेब खान फिर्यादीस सर्व बाब सांगितली आणि सर्व कॅन्डिडेट आणि फिर्यादी यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली। त्यावरून आम्ही प्राथमिक चौकशी केली आणि आम्ही आरोपी सचिन आठवले याच्याविरुद्ध आम्ही कलम 420, 468, 471 भाजीप्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि आम्ही आरोपीस अटक करून आता पुढील तपास करत आहोत। एसटी महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग करते हुए एसटी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू की गई है। इस हड़ताल को नागपुर में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने समर्थन दिया है। पिछले कुछ दिनों से एसटी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों के लिए अनशन पर बैठे हैं। एसटी महामंडल राज्य सरकार में शामिल होना चाहिए, इसलिए मनसे ने भी एसटी कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन दिया है। नागपुर में भी एसटी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू है। एक भी बस डेपो से बाहर नहीं गई, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गेल्या अनेक दिवसापासून इथे संपावर
त्यांच्या मागण्यासुद्धा अतिशय महत्त्वाच्या आहे. त्यांच्यातले 35 कामगार यांनी होणारा त्रास लक्षात घेऊन या जगाचा निरोप घेतला, आत्महत्या केली, तरीसुद्धा महाराष्ट्राचं सरकार जागं होत नाही आहे आणि या एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवत नाही आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांची प्रश्नांची नेहमी जाणीव ठेवणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांनी या संपाला पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्यांचा शब्द लक्षात घेता, त्यांचा आदेश लक्षात घेता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नागपूर शहरातील सर्व पदाधिकारी आज इथे सकाळपासून यांच्या संपाच्या मंडपाच्या ठिकाणी उपस्थित आहे. आमचा 100% पाठिंबा एसटी कर्मचाऱ्यांना आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न त्वरित लक्षात घेऊन या मुर्दाळ सरकारने सोडवावेत अशी आमची विनंती आहे. पोलीस नागरिक समन्वय समिती भारत द्वारा संपूर्ण देश में वर्धापन दिन श्रम सेवा समारोह मनाया जा रहा है. वहीं नागपुर में भी इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पुलिस नागरिक समन्वय समिति के प्रधान समन्वयक प्रवीण गुलाबराव राउत के मार्गदर्शन में संपूर्ण महाराष्ट्र के सावरखेड़ा, हिंगनघाट, नागपुर, मुंबई और मध्य प्रदेश के सौंसर, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गोवा में भी श्रम समारोह का सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक रूप से आयोजन किया गया है. सावरखेड़ा में संविधान के भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार रक्षण इस विषय पर मार्गदर्शन किया गया. जाम हिंगनघाट सौंसर के अनाथ आश्रम व निराधार महिला बाल वृद्ध आधार गृह में फल, मिठाई, स्कूल सामग्री और कपड़े वितरित किए गए. कुछ गरीब मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई गई. साथ ही पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को ट्रैफिक पुलिस को सम्मानित किया गया. नमस्कार. पुलिस नागरिक समन्वय समिति भारत वर्धापन दिन 16/2021 माननीय श्री प्रवीणजी राऊत मुख्य प्रधान समन्वयक यांच्या नेतृत्वामध्ये नागपूर आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर MP, छत्तीसगड या प्रकारे संपूर्ण देशामध्ये हा सोहळा राबविण्यात आला. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, छिंदवाडा, मध्य प्रदेश येथील समस्त पदाधिकाऱ्यांनी हा सोहळा त्यांच्या परीने तिथे खूप योग्यरित्या पार पडलेला. यामध्ये मी काही नावं सांगू इच्छितो. इक्राम शेख, दीपकजी खरात मुंबई, हरीश कुंभारे सावरखेडा, नितेश करपे वर्धा जिल्हा, काजी सर हिंगणघाट यांनी अनेक ठिकाणी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविले. अनेक ठिकाणी सायंकाळच्या वेळी राष्ट्रवंदना झाली. राष्ट्रवंदना झाल्यानंतर फळे वाटप, अन्नदान यासारखे कार्यक्रम राबविण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार समारंभ घेण्यात आला. विविध ठिकाणी वृक्षारोपण करून पर्यावरणाचा समतोल साधण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. हा संपूर्ण कार्यक्रम 4 नोव्हेंबरपासून ते 10 नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही हा पूर्ण सप्ताह पोलीस समितीचा सप्ताह म्हणून, पोलीस नागरिक समन्वय समिती भारत याच्या वर्धापना दिनानिमित्त हा सप्ताह राबविण्यात आला. या अभियानामध्ये अनेक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ज्यांना राहायला घर नाही अशा लोकांना कपडा वाटप करण्यात आला, त्यांना अन्नछत्र देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आम्ही आमच्या पोलीस समितीच्या मार्फत, पोलीस नागरिक समन्वय समितीच्या मार्फत अनेक ज्यांना औषधोपचार मिळत नाही अशा लोकांना औषधोपचार देण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही आमच्या या वर्धापना दिनाद्वारे एक सामाजिक संदेश देऊ इच्छितो की फूल नाही फुलाची पाकळी आम्ही समाजातील त्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय ज्यांना नितांत गरज आहे. गड्डी गोदाम और गोवा कॉलोनी क्षेत्र में जोन 2 की DCP विनीता साहू ने पैदल गश्त लगाई. इस दौरान परिसर का निरीक्षण भी किया गया. इसी बीच 4 लोगों पर कार्रवाई भी की गई. जोन 2 की DCP विनीता साहू ने सदर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, DB दस्ते और सदर पुलिस थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिसर का पैदल निरीक्षण किया. इस गश्त के दौरान 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई जो बिना मास्क के पाए गए. घर की तलाशी ली गई. वहीं 3 ऑन रिकॉर्ड अपराधियों को भी पकड़ा गया. 4 वाहनों का यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए चालान भी किया गया और धारा 283 IPS के तहत एक कार्रवाई भी की गई.
स्थानीय बार, देशी शराब की दुकानों आदि को कोविड मानदंडों का पालन करने, विवाद झगड़े की रिपोर्ट करने और सेवा करने से बचने के लिए चेतावनी दी गई थी। साथ ही परिसर में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी पुलिस ने चेतावनी दी। वर्धा शहर में जय हिंद फाउंडेशन वर्धा व जय पवन सूद हनुमान मंदिर देवस्थान ट्रस्ट द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिक परिवारों का सत्कार किया गया, साथ ही शौर्यांजलि यात्रा भी निकाली गई। बापूकुटी सेवाग्राम से सौजन्यजलि यात्रा की शुरुआत की गई। जय हिंद फाउंडेशन वर्धा व जय पवन सूत हनुमान मंदिर देवस्थान ट्रस्ट द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिक परिवार का सत्कार भी किया गया, साथ ही शौर्यांजलि यात्रा निकाली गई। इस शौर्यांजलि यात्रा में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान देश के सभी वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। सदर जी शौर्यांजलि यात्रा आहे ही संपूर्ण भारतामध्ये भ्रमण करून आज आपल्या वर्धा पावन भूमीत आलेली आहे आणि ही यात्रा जय हिंद फाउंडेशन तसेच राष्ट्रीय काही आपल्या संघटना आहे ज्या सैनिकांचं काम करते त्या संघटनातर्फे ही यात्रा आलेली आहे। सदर यात्रा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी, अपना जम्मू काश्मीर, गुजरात आणि गुजरातवरनं आपल्या महाराष्ट्रात आली आहे। महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, ठाणे, त्यानंतर आपल्या विदर्भामध्ये बुलढाणा, अकोला, अमरावती आणि आज वर्धा आणि उद्याला हीच यात्रा नागपूरला जाईल। आणि ही यात्रा आम्ही करण्याच्या मागचा आमचा मूळ उद्देश हाच आहे की जे शहीद आपले ज्या ज्या युद्धामध्ये शहीद झालेले आहे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बाकी की खबरों को जानते हैं इस ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंबेडकरवादी नेता और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्ययन प्रकाश आंबेडकर ने संपूर्ण राज्य माफियाओं के हाथ में जाने की बात कही है। राजनीति को एक समय सेवा के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब राजनीति कमर्शियल होने की बात प्रकाश आंबेडकर ने कही। साथ ही कहा कि भाजपा और NCP इन दोनों पार्टियों के कुछ कुछ नेताओं के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की स्थिति दिन पे दिन गिरती जा रही है। कई सालों से हम लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के राजनीति पर कब्जा जो है वो क्रिमिनल्स का हो चुका है। राजनीति सिर्फ लोगों के सवालों को छोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन अब स्टेट को लूटने के लिए हुई है, ऐसी एक परिस्थिति है। दिवाली के पहले और दिवाली के बाद अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे यही दिखाई देता है कि गफला जो है वो लाखों का नहीं है तो करोड़ों का है। और दूसरी तरफ बेरोजगारी से लोग यहाँ पे जूझ रहे, ऐसी एक बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज जो है देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप किया कि जो तारा के गुनहगार है, बॉम्बे के ब्लास्ट के गुनहगार जो है उनके साथ में व्यवहार किया है। मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप इतने दिन तक सोए क्यों हो? आप इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो आपके राज्य के मुख्यमंत्री के वक्त आपकी ये कार्रवाई क्यों हुई? आज यही हुआ है कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स का मामला उठाते हुए कई लोगों के नाम सामने आए हैं,
कुछ ऐसे व्यक्ति के नाम आए हैं कि जिससे मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है वो तिल में ला चुकी है। राज्य के राजनीति के लिए मैं एक अच्छा अवसर मानता हूं कि लोगों के सामने जो क्रिमिनल्स है, राजनीति में जो क्रिमिनल्स है, उनकी शक्ल लोगों के सामने आ रही है। मैं हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं कि जितनी भी क्रिमिनल केसेस आपके पास है उसको आप तुरंत फाइनल डिसीजन पे ले आए। दिस वे और डैट वाले, इस तरफ है, उस तरफ उसका दी है, आप जैसे इस फाइनल डिसीजन को फाइनल ले आएंगे, वैसे वैसे पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, लूटमार की जो व्यवस्था आई है, उसको एक रोक लगेगा और सही छवि के लोग जो है वो राजनीति में आ सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। नहीं तो वरना ये मैं मानता हूँ कि इसका अगला स्टेप जो है, जो अंडरवर्ल्ड में पहले होता था। पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। एक युवक अपने साथी की मदद से कुत्ते की पूंछ पर पटाखे बांधकर जला रहा था। पशु प्रेमियों ने इसकी जमकर निंदा की। ऐसे में वीडियो देख पशु प्रेमी ने कोराडी पुलिस थाने से शिकायत की। जांच करने पर निर्दयी युवक का पता चल गया और उसे हवालात की सैर करवाई गई। पुलिस ने नशेमैन सोसाइटी शक्तिनगर निवासी आशीष विनायक कोल्हे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आशीष पीपल्स फॉर एनिमल नामक संगठन के सदस्य हैं। पकड़ा गया युवक स्मृति नगर निवासी जीवन अजय बारई बताया गया। 2 दिन पहले आशीष अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया के वीडियो देख रहा था। एक वीडियो में युवक कुत्ते की पूंछ पर धागे से पटाखों की लड़ी बांधकर जलाता दिखाई दिया। पशु प्रेमी आशीष को इस वीडियो ने विचलित कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए ही आशीष ने उसकी जानकारी इकट्ठा की, कोराड़ी पुलिस से शिकायत की गई। इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे ने तुरंत मामला दर्ज कर अपनी टीम को जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पुलिस स्मृति नगर में रहने वाले जीवन के घर जा पहुंची। पूछताछ में उसने बताया कि अपने ही पालतू श्वान की पूंछ पर उसने पटाखे बांधकर जलाए थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण की जांच एएसआई राजकुमार श्रीखंडे कर रहे हैं। पिछले दिनों सिविल लाइंस में घुस आए तेंदुए की वजह से कई दिनों तक दहशत का माहौल बना रहा। अब मगरमच्छ ने दहशत मचा रखी है। सिविल लाइन स्थित पत्रकार सहनिवास से लगे नाले में मगरमच्छ को देखे जाने से वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। परिसर के नागरिकों ने बताया कि करीब 15 दिन पहले भी नाले में मगर को देखा गया था। दोपहर के वक्त पानी से बाहर निकलकर उसकी हलचल को कुछ लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया था। यह वीडियो वायरल भी हुआ था, लेकिन वन विभाग द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा रही थी। इसी बीच सोमवार को एक बार फिर नाले में मगर को देखा गया। पानी की ऊपरी सतह पर इसकी हलचल देखी गई। वन विभाग ने भी इसकी पुष्टि की। मगर देखे जाने की खबर के बाद कई लोग कैनाल रोड के नाले पर दिखाई दिए। मगर देखने को लेकर लोगों में उत्सुकता भी है, वहीं परिसर के नागरिकों में दहशत का माहौल भी है। हालांकि सिविल लाइन्स और धर्मपेट में नाले की दीवारें ऊंची हैं, लेकिन कृषि महाविद्यालय परिसर में कई जगह नाला खुले में बहता है। जानकारों का मानना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद वेना नदी से जुड़े नाग नाले के रास्ते मगर सिटी में आया होगा। यह भी माना जा रहा है कि एक से अधिक मगर हो सकते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम को अब तक मगर नहीं दिखाई दिया। मगर से लोगों को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। कुछ दिनों बाद मगर नाले के रास्ते से अन्य नदी नालों में भी निकल सकता है। पुरानी रंजिश के चलते 3 आरोपियों ने एक युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और घर का सामान तोड़ दिया, साथ ही बाइक में आग भी लगा दी। यह घटना वाटोड़ा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने जख्मी युवक मां भवानी नगर निवासी प्रीतम रमेश माहुरकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरोपियों में राजेश शंकर खुम्बालकर, राहुल रामटेके और राहुल सरोदे का समावेश है। पुलिस के अनुसार प्रीतम के खिलाफ नंदनवन थाने में मामले दर्ज हैं। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है और दादागिरी के चलते कई लोगों के साथ उसकी दुश्मनी भी चल रही है। कुछ दिन पहले उसका आरोपियों के साथ विवाद भी हुआ था। वह अक्सर दादागिरी करता था, इस वजह से तीनों आरोपी भी बौखलाए हुए थे। रविवार की शाम 7:30 बजे के दौरान तीनों आरोपियों ने प्रीतम के घर पर हमला बोल दिया। प्रीतम को घेर कर उसकी जमकर धुनाई की। घर में टीवी, फ्रिज, सोफा और खिड़की भी तोड़ दी। इसके बाद भी आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घर के सामने खड़ी प्रीतम की बाइक पर भी उसने आग लगा दी। बाइक जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वाटोड़ा पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। प्रीतम की शिकायत पर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे बाकी की खबरों के साथ। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।